हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो आज ऐसे ठंड इतनी नहीं है, काफ़ी दिनों के बाद आज ऐसा है कि ठंडी हवा नहीं चल रही है और मौसम ठीक ठाक है। देख रहे हो मेरा पर्दा वगैरह बिल्कुल भी नहीं मूव कर रहा है। सुबह के टाइम पर हमारे यहाँ का ये नज़ारा होता है। चिड़िया तो कोई भी नहीं होती है, बस दो चार कबूतर होते हैं जो इधर उधर उड़ रहे होते हैं। वो देखो, तो यहाँ पे बस कबूतर ही दिखते हैं, इसलिए मैं आने को भी पिजन पिजन दिखाती रहती हूँ, क्योंकि यहाँ क्रो या फिर कोई और चिड़िया नहीं उड़ती है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग, 12:30 बज चुके हैं और सुबह से अभी फ्री हुई हूँ मैं थोड़ा सा, और अभी भी पूरी तरह से फ्री नहीं हुई हूँ। अभी भी किचन में खाना बनाना है मुझे। इसका डंडा तोड़ना है ना? दोनों वाले मैं भी लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, खाना बनाने के लिए साग चुन लेते हैं थोड़ा सा। The flowers love the little children। वैसे मेरे को साग भी नहीं चुनना आता है अच्छे से। Watering cans and calico। तो फ्रेंड्स देखो, इसको मैं नहा के लाई और नहा के जस्ट ब्लैंकेट में लपेटा और दूध पीते पीते ये सो गई, और इसने कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं। देखो, कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं और ऐसी ही ये सो गई। अब जब ये उठेगी तब ये कपड़े पहनेगी, अभी सिर्फ ब्लैंकेट लपेट के सो रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तीनों गैस पे खाना चढ़ा दिया है, दाल चावल और साग बनने को। जब तक ये हो रहा है हम आने को उठा देते हैं, देखते हैं उठती है या नहीं। पुंगु पुंगु सो रही है अभी तक। भाई साहब, ये आज बिना कपड़ों के सो रही है, मस्त नींद आ रही होगी एकदम खुले। आ गई है एकदम जबरदस्त वाली धूप। देखो, अब मैं यहीं पे बिस्तर बिछाऊंगी और यहीं बैठने वाली हूँ थोड़ी देर, और आना भी जब उठेगी तो इसको यहीं पे लाके कपड़े पहना देंगे। फ्रेंड्स, आजकल छोटे दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, इतना सारा काम होता है। अभी भी देखो, इतने सारे बर्तन पड़े हैं और मुझे सारे बर्तन धोने हैं। किचन तो साफ है वैसे, किचन में कुछ काम नहीं है, लेकिन ये सारे बर्तन धोने हैं और फिर शाम हो गई है तो फिर खाना बनाना पड़ेगा, और बच्चे साथ में, तो काफ़ी ज़्यादा काम होता है और दिन तो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। वैसे इतना छोटा सा दिन होता है, सुबह से शाम कैसे हो जाता है पता ही नहीं चलता। सुबह लेट उठते हैं ठंड की वजह से, ज़्यादा पहले उठ के भी क्या करना है, इस वजह से 7 बजे लगभग 7-8 बज जाते हैं उठने में, और इस टाइम तक बस रेल बन जाती है हम लोगों की तो। और ये मैडम को तो रोने से ही फुर्सत नहीं है, जब देखो कोई ना कोई सामान लेके जिद करने के लिए बैठ जाएंगे। अब ये करना है तो वो करना है, अब इनकी जिद पूरी करो या अपना काम करो, समझ ही नहीं आता है। हाँ मम्मा, क्या मम्मा का बच्चा क्या बोलती रहती हो तुम, क्या बेटा क्या, ये क्या बोलती है, इसकी बात ही समझ में नहीं आती। क्या मम्मा समझ में नहीं आती, बोलती क्या है, तो क्या करें इसका, क्या ये खेलो खेलो तुम, ये नाक 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 कौन है, नाक 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 कौन है, देखो बजाओ वो बजाओ, हाँ बजाओ, ऐसे बजाओ खेलो जब तक मम्मा बर्तन धो लेती है। तो गाइस,
फाइनली मैं जल्दी से बर्तन धो लूँ क्योंकि शाम हो ही चुकी है, 5 बज चुके हैं शाम के और 5:30-6 होते होते तो अंधेरा होने लगता है। तो फ्रेंड्स हमारा पिज्जा आ गया है लेकिन इसको लेके कैसे जाएंगे इसके साथ। टोपी पहनो, अब इसको और पिज्जा को भी लेके जाना है। साइकिल भी ऐसे छोड़ दी, साइकिल चलाने लेके आए थे ना हम तुमको। ना रखने दे साइकिल, माय गॉड इसको बेड से उतरना है, देखो क्या स्टाइलिश था बेड से उतरने का।